तो शिंदे गुट के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। अपने फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेलकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना की असली शिवसेना है, ऐसे में विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। कौन सी मैच की आप बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूँ जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो वो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। राहुल नावरेकर के इस फैसले से जाहिर है उद्धव ठाकरे को झटका लगा, लेकिन हम आपको उनके इस फैसले की 10 बड़ी बातें समझा देते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, उनके इस फैसले ने ये कह दिया, ये साबित कर दिया। दूसरी बड़ी बात आती है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक पूरी तरह से योग्य, मामला तो यही था, उद्धव गुट यही कह रहा था कि इनको आयोग करार दीजिए, लेकिन नहीं, स्पीकर ने कहा कि ये सभी योग्य। तीसरी बात, पार्टी के व्हीप भी शिंदे कैंप के भरत गोगवले भी होंगे, यानी कि जब भी व्हीप जारी किया जाएगा पूरी शिवसेना को उसमें शामिल रहना होगा। पूरी शिवसेना का मतलब, चौथी बड़ी बात यह है कि पूरी शिवसेना का मतलब उद्धव गुट के भी जो विधायक है वो भी व्हीप जारी होने पर वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पांचवी बड़ी बात, शिवसेना का 1999 का जो संविधान है आधिकारिक रूप से वही मान्य रहने वाला है। छठी बड़ी बात, 2018 में पार्टी संविधान में बदलाव की सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी, जो भी उद्धव गुट की ओर से किए गए थे। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं था, संविधान यही कहता है जो शिवसेना का संविधान है, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया। शिवसेना प्रमुख के पास दल के नेता को हटाने का अधिकार नहीं है, कल जो फैसला है उससे ये क्लियर हो गया कि शिवसेना के प्रमुख को किसी भी जो दल के नेता है वो नहीं हटा सकते, और विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को हटाना गलत होगा। विधायक दल के नेता, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही विधायक दल के नेता बनते हैं, तो उनको हटाया नहीं जा सकता। और दसवीं बड़ी बात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे गुट को मान्यता मिली, रिकॉर्ड नहीं। तो आपको बता दें शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नावेलकर के फैसले के बाद मुंबई की सड़कों पर दो तस्वीरें देखने को मिली है। एक तरफ आपको बता दें सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आए, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। स्पीकर के फैसले से नाराज उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ